अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को कहा कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के आदेश देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पोम्पियो ने स्थानीय मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा कि अमेरिकी सरकार किसी भी स्थिति में शांतिपूर्ण समाधान चाहती है। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि अमेरिका किस तरह की सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव कर उत्तर पूर्व सीरिया से अमेरिकी सेना हटाने के फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सैनिक वहां कुर्द सेना के साथ मिलकर कार्य करते थे। कुर्दों ने वहां आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ाई शुरू की थी। ब्रिटेन के सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार तुर्की के हमले में अब तक 120 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह सेव द चिल्ड्रेन ने सोमवार को कहा कि 1,76,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, इनमें 70,000 बचे हैं। इसमें कहा गया है कि हजारों लोग खुले खेतों में, स्कूलों में बिना बिजली और पानी के शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। कुर्दों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। ट्रंप ने सोमवार को एक कैबिनेट बैठक में संवाददाताओं से कहा था कि अमेरिका और कुर्दों के बीच कभी इसके लिए सहमति नहीं हुई कि वे जीवन भर उनकी रक्षा करेंगे, उन्हें तुर्की के खिलाफ खुद ही लड़ाई लड़नी होगी। वहीं अमेरिका ने सीरिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में घुसपैठ के बाद पिछले हफ्ते तुर्की पर प्रतिबंध लगाए थे। इस इलाके में अमेरिकी सेना और कुर्द मिलकर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तुर्की कुर्दों को आतंकी मानता है। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने गुरुवार को घोषणा की थी कि तुर्की सीरिया में 5 दिनों तक हमला नहीं करने पर सहमत हो गया है। तुर्की ने कुर्दों से सीमा क्षेत्र खाली करने के लिए कहा था। पेंस ने कहा कि कुर्द लड़ाकों के इलाके से जाने के बाद अमेरिका तुर्की पर लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म कर देगा। सैन्य कार्यवाही रोकने के लिए ट्रंप ने एर्दोआन को पत्र लिखा था। 9 अक्टूबर को ट्रंप ने हमला रोकने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन को पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि आपको बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, वरना इस बात का खतरा है कि इतिहास में उन्हें एर्दोआन शैतान के तौर पर याद किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पत्र मिलने के बाद एर्दोआन ने उसे कूड़े में फेंक दिया और सैन्य अभियान जारी रखा था।